हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुएब और आप देख रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वीडियो देखने के लिए। आज हम इस सेगमेंट पे हम बात करने वाले हैं कि किसी भी पीसीबी से आईसी या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जहाँ पे से हमें कुछ आईसी रिमूव करना है या रेजिस्टेंस रिमूव करना है, कैपेसिटर या कोई से भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रिमूव करना है, सोल्डरिंग करना है, डिसोल्डरिंग करना है, तो ये कैसे करें और कैसे ये सिस्टमेटिक तरीके से होता है, तो इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये काम किया कैसे जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि इस पीसीबी में एक आईसी लगी हुई है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये आईसी है, इसे कैसे हम रिमूव करें या डिसोल्डरिंग कैसे करें। तो ये प्रॉपर वे में मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे डिसोल्डरिंग किया जाता है। तो सोल्डरिंग करने का एक ही नियम है कि आपके पास होने चाहिए रंगा, सोल्डरिंग आयरन और ये आपका पेस्ट। ये पेस्ट क्या होता है? तो ये पेस्ट जो है हीटिंग एलिमेंट है, मतलब ये है कि अगर आप इसे किसी भी सर्किट में जहाँ पे आपको हीट ज़्यादा चाहिए, इजिली आपको रिमूव करना है, तो ये क्या है, हीटिंग को बढ़ाता है उस जगह पे जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको सोल्डरिंग करना है। इसलिए क्या है, पेस्ट उच्च क्वालिटी की सोल्डरिंग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये पेस्ट है मेरे हाथ में और ये हमारे पास ये आईसी है। तो सबसे पहले करना ये है कि आपके पास जो भी पेस्ट है उसको आपको ये आईसी के ऊपर, ये जिस जिस टर्मिनल, जिस जिस पॉइंट को हमें रिमूव करना है वहाँ पे अच्छे तरीके से लगा दें ताकि यहाँ पे हीटिंग जो है बढ़ जाए। अब इसके बाद करना क्या है कि इसके बाद हमें लेना है अपना सोल्डरिंग आयरन और लेना है ये ब्रश। आपके पास टूथ ब्रश जो ख़राब हो, पुराना, जिसका काम नहीं है, उसे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, इसे रिमूव करना बहुत ही आसान तरीका है। तो सोल्डरिंग आयरन लेना है और जिस पॉइंट पर रिमूव करना है उस पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से गर्म करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि मैंने इस पॉइंट पर लगाया है सोल्डरिंग आयरन, और करना ये है कि ये टूथ ब्रश को ऐसा यूज़ करना है, ये हीट हो रहा है और ये इसे हटाने का हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि कैसे हटाएं इसे। देखिए, मैं आप दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो ये सोल्डरिंग आयरन लेना है हमें, अच्छे से हीट हो जाए सोल्डरिंग आयरन में, ये देखिए। तो ये जैसे कि ये दो पॉइंट पे हमने सोल्डरिंग आयरन लगाया रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। और ये अच्छे से हीट होने के बाद क्या करना है, ये ब्रश के यूज़ से, थ्रू दिस ब्रश, ये क्या है, हमें ये जो एक्स्ट्रा रंगा जो ये पीसीबी पर लगा है उसे रिमूव करना पड़ेगा। यही सही तरीका है सोल्डरिंग आयरन से डिसोल्डरिंग करने का। जितना एक्स्ट्रा रंगा आपको यहाँ पीसीबी पर दिखाई दे रहा है, वो सब हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम क्या है आईसी को निकाल पाएंगे। ये देखिए, जैसा कि अब प्रॉपर हीट हो चुका है हमारा सोल्डरिंग आयरन, इसलिए देखिए ये कैसा निकल रहा है। ये प्रोसेस आपको तब तक दोहराना है जब तक कि आपका क्या है, जो रंगा है वो प्रॉपरली निकल ना जाए पूरी तरीके से। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पूरी तरीके से निकल रहा है। और देखिए, एक साइड का हमने ये पूरी तरीके से निकाल दिया है, ये एक्स्ट्रा जो रंगा था हमारा। अब इसे सेकंड साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका सोल्डरिंग आयरन प्रॉपर गर्म हो जाए। जब तक कि आपका सोल्डरिंग आयरन प्रॉपर अच्छे से गर्म नहीं होता है, ये प्रोसेस करना बेकार है। तो थोड़ा वेट करें अपने सोल्डरिंग आयरन को गर्म करने के लिए,
हम देखते हैं कि कितने सारे बहुत सारे सर्किट होते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे चार्जर के वायर टूट गए या कुछ भी, बहुत सारे सर्किट होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई काम इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बंदा करे या कोई दुकान वाला ही काम करे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये हम अपने घर में भी अपन सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर सकते हैं। अगर अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही तो थोड़ा पेस्ट आप और ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए कि ये ऑलमोस्ट निकलने ही वाला है, तो अब इधर क्या है, हम स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इस आईसी को रिमूव करेंगे। ये देखिए ये आईसी हमारा रिमूव हो गया बिल्कुल पीसीबी से। ठीक है, तो ये कैसा करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। जैसा कि ये आईसी रिमूव हो गया है, यहाँ पर देखिए पीसीबी से ये निकल भी गया है बिल्कुल पीसीबी में। देखिए तो ये 8 पिन की आईसी है, तो इसे अब जैसा लगाना है हमें, कभी भी हमें कैसे भी सोल्डरिंग करना है, देखिए पॉइंट बहुत पास पास में, तो इस टाइम में हमें क्या करना है, तो देखते हैं हम। तो ये आईसी पहले तो मैं लगा देता हूँ, ये आईसी मैंने लगा दी। अब देखिए यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमें क्लियर क्लियर दिखाई दे रहे हैं। शॉर्टिंग ना हो तो इनके लिए हमें क्या करना है, कैसे किया जाए ये, तो देखिए फिर से हम क्या है, हीटिंग एलिमेंट हमारा जो पेस्ट था वो यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर इसके सभी पॉइंट्स पे हम लगा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, रांगा लेना है, ये देखिए रांगा, और ये देखिए हमारा सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन हमें जिस पॉइंट पे लगाना है वहाँ पे ये कीजिए, और ये रांगा जो है इसको इस पॉइंट पे इस तरीके से रखिए, ये देखिए जैसा ये पॉइंट है। उसके बाद हम ब्रश से इसको साफ कर सकते हैं। देखिए हमारे ये पॉइंट पे ये 3 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट नजर आ रहे हैं, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। देखिए ये इस तरीके से हम प्रॉपर वे में सोल्डरिंग करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा वायर है जिसको हमें क्या है पीसीबी पे या किसी पॉइंट पे सोल्डरिंग करना है, उस टाइम पे हमें क्या करना है, तो सेम वही प्रोसेस, ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है ये हमें वायर के ऊपर लेना है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि इस वायर पे थोड़ा सा हमें रंगा चढ़ा लेना है। तो ये है वायर, और ये देखिए जिस सोल्डरिंग आयरन ये रंगा हमने चढ़ा लिया। फिर क्या करें, फिर इस पेस्ट को यूज़ करें, और जिस पॉइंट पे मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर सोल्डरिंग करना है, तो क्या करें, इसका कुछ नहीं करना है, रंगा भी नहीं लेना है हमें एडिशनल। ये देखिए कितने अच्छे से ये वायर जो है प्रॉपरली हमारा सोल्डरिंग हो गया है। तो ऐसा हमें सोल्डरिंग कर सकते हैं। सेम अगर ये वायर हमें कहीं यहाँ जम कराना है, तो ये देखिए